सोच रहा हूँ आज पहलगाम में स्टे करूँ। केसर का फूल पत्तियाँ हैं इस तरह से फूल तोड़ते हैं, ये देख सकते हो आप। इस तरह से तीन पत्ती है, तीन चार पत्ती जो होती है सेपरेट आ रही है। सारे सेपरेट आ रहे हैं। और एक ये वाला अच्छा लग रहा है, तो ताजा एप्पल है ना, उसका टेस्ट ही अलग है। निकलते हैं पहलगाम के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज है ट्रिप का चौथा दिन और आज हम जा रहे हैं पहलगाम और हमने अभी चेकआउट करना है। सबसे पहले आपको मैं सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने है डल लेक और डल लेक के सामने आपको इतनी खूबसूरत वादियाँ दिखाई देंगी। ये देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी बचे हैं 8:30 और टैक्सी वाले को मैंने कर दिया है कॉल, क्योंकि पहलगाम जाना है, थोड़ा दूर है तो इसलिए सुबह निकलना पड़ेगा। और जितनी भी पहलगाम के रास्ते में चीज़ें मिलेंगी मैं 1x1 आपको एक्सप्लोर कराऊंगा और सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और डिस्कस भी करूंगा। तो मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो गाइस अब टाइम आ चुका है यहाँ से चेकआउट करने का, तो मैं निकल रहा हूँ पहलगाम के लिए। टैक्सी वाले भाई साहब आने ही वाले होंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे चेकआउट करना है। अभी मेरे पास 2 दिन का वक्त और है यहाँ पे कश्मीर में, तो मैं सोच रहा हूँ आज पहलगाम में स्टे करूँ, क्योंकि वहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक दिन में कवर नहीं हो पाएंगी, तो इसी वजह से मुझे स्टे करना पड़ेगा पहलगाम में। तो इस वक्त मैं निकल रहा हूँ पहलगाम के लिए। सो गाइस मैंने चेकआउट कर दिया है और जिस होटल में मैं रुका था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है ग्रैंड हसन। टैक्सी वाले भाई हैं, उनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ रास्ते में मुझे क्या क्या मिलने वाला है। तो भाई रास्ते में क्या क्या मिलेगा? वैसे रास्ते में यहाँ से निकल के आपको सबसे पहले केसर की खेती मिलेगी, केसर की खेती मिलेगी, उसके बाद आपको एप्पल गार्डन्स मिलेंगे। अभी एप्पल आ रहे होंगे? एप्पल नहीं होंगे, कुछ कुछ हो सकते हैं। तो कौन से मौसम आते हैं? बस अगस्त में होते हैं। अगस्त में, अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ कुछ होंगे मतलब। हाँ जी, थोड़े आपका लग थोड़ा। अच्छा अच्छा, अंकल जी को भी ले आओ थोड़ा। हाँ ये है अंकल जी, हैं ये होटल वाले हैं। और अपना एक बार एड्रेस बता दीजिए, अगर किसी को आना होगा तो आपके एड्रेस देख के आ जाएगा। ये नई सड़क है, डल गेट श्रीनगर, डल गेट श्रीनगर नई सड़क खैम चौक के पास पड़ेगा। और बाकी इनका नंबर वगैरह मैं डाल दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लेना और आपको अच्छे से यहाँ पे बढ़िया से आपको खिदमत करेंगे और सारी चीज़ें बढ़िया जाएगी। मैं जा रहा हूँ पहलगाम और रास्ते में जो केसर की खेती मिलती है ना, सबसे पहले मैं वैसे ही नॉर्मल जगह, आप यहाँ पे केसर लगाओगे तो नहीं होगा। अभी जो आगे जो आने वाली है, ज़मीन आने वाली है, वहाँ पे केसर की खेती होती है, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा और बताऊंगा। सो गाइस मैं अभी पहलगाम वाले रास्ते पे हूँ, तो मुझे सैफ्रॉन की खेती दिखाई दी है, केसर की। मैं पास जाके दिखाता हूँ आपको और बड़ी ही शानदार तरीके से यहाँ पे खेती हुई है। ये वाला केसर का फूल है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये आया हुआ है फूल है, ये देख सकते हो गाइस, ये जो फूल है ना, ये एक केसर का फूल है। तीन पत्तियाँ हैं, वो ओरिजिनल केसर है। जो तीन पत्तियाँ हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं जो तीन पत्तियाँ हैं, ये ओरिजिनल कश्मीरी केसर है, कश्मीरी, द रियल गोल्ड ऑफ कश्मीर। ये गाइस ये है ओरिजिनल केसर, आप देख रहे होगे, ये वाला, ये कश्मीरी केसर है, जो जेन्युइन होता है ना वही वाला है। दिखाइए भैया, वो उठा रहे हैं जो खेती के जमींदार है, जो खेती के जमींदार है। अच्छा, तो गाइस जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, जहाँ तक भी ये दिखाई दे रहा है, सारा सारे अखरोट के खेत हैं और केसर के खेत हैं, बादाम के खेत हैं और सारी यही चीज़ें होती हैं। ये है कश्मीर का रियल गोल्ड, आप देख सकते हो गाइस, इतनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे कश्मीरी केसर होता है।
और अखरोट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ये देख सकते हो। और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ केसर के खेत में, और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में केसर है, जो जेन्युइन केसर होता है। ये भी पता साथ में आपको दिखाएंगे आगे में जो केसर और होता है। आगे में क्या आगे दिखाएंगे ना आपको केसर की? हाँ, और आगे भी केसर दिखाएंगे आपको, जिस तरह से केसर होता है, किस तरह से बनाते हैं केसर। इस वाइज मैं अभी मिलवाता हूँ यहाँ के जो खेत के मालिक हैं, मैं इनसे मिलवाता हूँ आपको और थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो भाई ये केसर जो होता है ये कौन कौन से मौसम में होता है? सर 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक इसका सीजन सीजन होता है। अभी सीजन चल रहा है इसका। हाँ सर। तो मतलब कितना एक खेत में, ये कितना एकड़ होगा? ये सर ये एक कनाल है। एक कनाल कितना निकल जाता है इसमें केसर? सर वो एक किलो निकलता है। एक किलो निकल जाता है। ये कितने केजी केजी होता है? तो आप गाइस देख सकते हो कितना महंगा केसर होता है, और इसको निकालने में क्या क्या कैसे कैसे निकाला जाता है, थोड़ा प्रोसेस बताएंगे आप एक बार? इस तरह से फूल तोड़ते हैं, और ये हमारा दोबारा देखा, ये तीन पत्ती आ गई है, सुखा के इसमें डालते हैं। और ये देख सकते हो आप इस तरह से तीन पत्ती, तीन चार पत्ती जो होती है ये आ गई, और सुखा के ऐसे बनता है। इस तरह से बनता है केसर, यह आप देख सकते हो। यह है जेन्युइन केसर, जो बिल्कुल रियल गोल्ड होता है ना, बिल्कुल एकदम गोल्ड से भी महंगा ये केसर है। इसको सुखाया जाता है, उसके बाद में इसको यूज में लिया जाता है। तो गाइस देख सकते हो इस तरह से, किस तरह से पूरी खेती ये केसर की है, पूरी खेती ये आप यहाँ से लेके वहाँ तक, और कुछ लोग आए हुए भी हैं और सब केसर देखने के लिए आए हैं। और भी देखेंगे आगे, और भी चलेंगे आगे, अभी मैं आगे जा रहा हूँ और उसके बाद देखते हो। तो गाइस मैं हूँ इस वक्त नूर मोहम्मद भट्ट, जो यहाँ के मशहूर केसर के जो सबसे ज़्यादा सेलर हैं, सबसे ज़्यादा जो सेल करते हैं वो केसर का, वो नूर मोहम्मद भट्ट जी करते हैं, और मैं इन्हीं की शॉप पर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं केसर है, ये देख सकते हो ये इनका केसर है, कोई है भाई? ये इनका केसर है, ये जेनुइन होता है भाई? हाँ सर, 10 साल की गारंटी रहती है। 10 साल की गारंटी रहती है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान बताऊंगा मैं, एक दो पीस को आगे वाले दांत से चबाओ, हल्का सा बिटर टेस्ट आएगा, उसे अपना कलर छोड़ने का पीला, पीला छोड़ने के बाद जो पत्ता रहेगा ना वो लाल का लाल ही रहना चाहिए। ये केसर की पहचान होती है सर, केसर किसी भी चीज़ में डालोगे ना वो गुलना नहीं चाहिए, केसर गुलेगा डिजॉल्व हो जाएगा, वो केसर नहीं है, वो केसर नहीं है। हाँ, केसर को कलर आता है, नकली केसर भी कलर आता है, वो उसकी पहचान है। जिसकी दो ही पेशा मेन होती है, एक तो कड़वा रहना चाहिए, डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, डिजॉल्व ये केसर की पहचान। अगर हम पानी से निकाल कर ऐसे करें तो वो तो घुल जाएगा फिर, तो ऐसा करके तरीका है ना, थोड़ा सा केसर में पहचान नजर ही होती है, केसर की बहुत सारी पहचान ही होती है, खाली कड़वा नहीं होना चाहिए, खाली ऐसा कोई इशू नहीं है। आजकल मार्केट में आता है केसर, बहुत सारे मार्केट में, क्या रेट होता है? मतलब मोस्टली क्या होना चाहिए, केसर देखो, अगर देखोगे ना इसके टच करोगे ना आपको लगेगा हाँ ये थोड़ी सी पता चलेगा केसर सॉफ्ट एकदम, ये जस्ट लाइक वो नहीं है, पीछे वो बेच रहे थे ना, मैं अभी खेत पर रुका था तो बेच रहे थे, वो खेत पे ही बेचते हैं। हाँ, अगर मेरा खेत है वो मेरा अच्छा होगा, कोई ऐसा केसर नहीं है। थोड़ा सा आगे सर ना, ये थोड़ा सा मोटा रहेगा, मोटा पीछे जाएंगे, ये थिन होता जाएगा, थिन होता जाएगा, थोड़ा सा कलर फेड होता जाएगा, फेड होता जाएगा। हाँ, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो थोड़ा कम होता जाएगा, और ये कम्प्लीटली वो रेडिश नहीं रहता, रेडिश नहीं रहता है। और एक बार केसर अगर ऐसे इतना पानी में डालोगे ना, ये अपना कलर देता है पीला, पीला कलर देने के बाद भी ना इसके जो पता है ना लाल के लाल ही, लाल की लाल हो गया, डिजॉल्व हो गया, जस्ट लाइक 24 आवर्स तक अगर इसको कंटिन्यू से बॉइल करोगे ना, इसका कलर चेंज होगा, पीला कलर, पीला कलर, ना कि व्हाइट, ये क्या चीज है आपके पास में? ये 2 ग्राम, 5 ग्राम, ये 10 ग्राम,
इसी हिसाब से आता है, 250 रुपये पर ग्राम, 250 रुपीज पर ग्राम। अगर कोई बंदा चाहता है ना, मतलब हमको ऐसा नहीं चाहिए, किसी को मतलब भरोसा नहीं होता, पता नहीं क्या, इसमें से तोल कर दे देते हैं। अच्छा ठीक ठीक, क्या रेट होगा? 1000 रुपए का 40 ग्राम, 25 रुपीज पर ग्राम। अगर तो ना ऑर्थोराइड जॉइंट पे, लेग पे, डायबिटीज का वाला, ये जेन्युइन है बिल्कुल, एकदम 100% गारंटी। यूज नहीं किया आप, दवाई तीन आइटम घर जाके भी रिटर्न कर सकते हो। अच्छा अच्छा, केसर, केसर, शिलाजी, शहद, ये चार आइटम, ये तीन आइटम घर जाके रिटर्न कर सकते हो, ये कभी खराब नहीं होता है, कभी खराब नहीं होता है। और ये क्या है? ये केसर, ये बड़ा पैक है। अच्छा, ये बड़ा पैक है। बादाम, थोड़ा सा क्वांटिटी उठाया, इतना सा क्वांटिटी अगर थोड़ा सा इसमें उठाओगे, इसमें से निकलना चाहिए ये तेल, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तेल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिटर होता है कैसे? कड़वा नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, इसका अगर इसके जो इसके चारू का साइज अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये बड़ा है, ये छोटा है, बट ये सारा मामला है। अच्छा अच्छा, जितना इसमें से बादाम होगा ना, अगर एक बादाम का टेस्ट करोगे, सॉरी पॉलिथीन का वही टेस्ट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर इसमें से जो एक टेस्ट करोगे, सारा पॉलिथीन का टेस्ट वही रहना चाहिए। ठीक है, ना सबको भिगो के नहीं खाते। अच्छा, इसमें ऑयल होता है, ऑयल होता है, मतलब निकल जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, और यहाँ का फेमस मिलता है अखरोट, ये अखरोट। ठीक है, ये रहता है अखरोट। क्या रेट रहता है? 1400 रुपए किलो। 1400 में कुछ लोग बोलते हैं अखरोट में क्या होता है, अखरोट में तेल निकलना चाहिए ऐसा, अखरोट में कोई इशू नहीं है, तेल निकल जाए या ना निकल जाए, देखो ठीक है, ये है ना। अगर आप ये ऐसा 2 साल पुराना भी अखरोट लोगे ना, उसमें से तेल निकल जाएगा। अच्छा, अखरोट की आप पहचान कैसी होती है? अखरोट की पहचान जो रहती है ना, मोस्टली अखरोट आप लोग क्या बाहर से जज करते हो, अखरोट को यहाँ से फोड़ो, बीच में से, बीच में से इसको फोड़ो, अगर इसमें से अंदर से वो काला निकल गया ना, ब्लैक्स निकल गया ना, डेट में जो केसर नहीं है, मतलब वो पुराना बहुत पुराना, यहाँ से निकलना चाहिए व्हाइट, व्हाइट निकलना चाहिए, व्हाइट निकलना चाहिए अच्छे से। अच्छा, वो मतलब काला वाला किसी को पंच करते हैं, वो नीला दाग होता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, और अखरोट कड़वा नहीं होता है, अखरोट नॉर्मली टेस्टी होता है, कर्नाट का नॉर्मल, बट अखरोट का जो ऊपर वाला शेल है ना, ये जो है ना इसका शील्ड, ये कड़वा रहना है, कड़वा होता है। चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और दोस्तों यहाँ आ सकते हो। अभी मैं इनसे क्या नाम है, यहाँ का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। ये वाला, ये जो शॉप है ना, ये नियरेस्ट ब्लास्ट एरिया, यहाँ पे ब्लास्ट होता है, वहीं पे नियरेस्ट पे, नूर मोहम्मद भट्ट सर्च कर सकते हो, या डायरेक्ट आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, www.noormohammadbhatt.com सर्च कर सकते हो, या आपको डायरेक्ट भी कहीं से भी ढूंढ सकते हो, इंटरनेट तो आजकल हर किसी के पास है, लोकेशन लगा के डायरेक्ट आ सकते हो वेबसाइट, अगर घर जाके कोई, अगर दिल्ली से बैठे बैठे मंगाए कोई, नूर मोहम्मद भट्ट सर्च करो, घर आएगा, वेबसाइट है। अच्छा अच्छा, ओके दोस्तों, तो आप मंगवा सकते हो दिल्ली में बैठे, कहीं भी इंडिया में, ऑल इंडिया में कहीं भी बैठे बैठे आप यहाँ से मंगवा सकते हो, कुछ भी चीज़ मंगवा सकते हो, केसर है, आपका शिलाजीत है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटी है, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है, सब कर सकते हो। हाँ, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ, बहुत सारी, देखिए ये सब क्वान्टिटी आप देख रहे होंगे, सारी चीज़ें। सो गाइस, हमारी ख़रीदारी हो चुकी है पूरी, केसर हमने ख़रीद लिया है, और आपको कभी भी आना हो तो आप यहाँ आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ पहलगाम के लिए, थोड़ी ख़रीदारी करनी थी इसलिए मैं रुक गया था, तो अब इसके बाद सीधा रुकेंगे हम पहलगाम, थोड़ा एप्पल गार्डन वगैरह भी घूमेंगे। ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है, और बीच में रास्ते का देखो एप्पल गार्डन कितने सारे हैं, बहुत सारे एप्पल गार्डन हैं, इस एप्पल गार्डन किसी एक गार्डन में रुकेंगे और उसका नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, और सेब वगैरह होंगे, एप्पल होंगे तो खाएंगे भी। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं एप्पल गार्डन, और पहलगाम पहुंचने वाले होंगे, उसके रास्ते में ही आपको एप्पल गार्डन दिखाई देगा, और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से ये एप्पल लगे हुए हैं, ये देखो, ये इतने सारे लोग हैं यहाँ पे भी, सब एप्पल देखने आए हैं, इतनी ज़बरदस्त तरीके से एप्पल लगे हुए हैं, और कितने खूबसूरत तरीके से लगे हुए हैं, और इनसे पूछते हैं रेट वगैरह पूछते हैं, और यहाँ क्या रेट रहता है, क्या किस तरह से इनका रेट रहता है।
चलो से इनसे थोड़ा रेट लेते हैं, आइडिया लेते हैं। 50 कोई नहीं है, वो 25 रुपए का किलो है, ये 100 में 1.5 किलो है, ये 100 में 2.5 किलो। क्या क्या रेट चला है इनका? 1.5 किलो 100 में, 100 में 1.5 किलो वाले हैं, 100 में 2.5 किलो, 100 में 2.5 किलो वो वाला, 100 में 4 किलो, 100 में 4 किलो वो वाले 90 रुपीज के जी। कौन सा कोई फ्रेश 100 रुपीज? तो गाइस आप देख सकते हो ये 150 रुपए, ये 90 रुपीज़ के जी है, ये वाले ये देख सकते हो, ये वाले ये 90 रुपीज़ के जी है यहाँ पे, और ये 100 रुपये में 4 किलो, ये 100 रुपीज़ में 4 किलो है, ये लोग बाग भर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। अगर पेड़ से तोड़ते हैं तो, पेड़ से अगर तोड़ते हैं तो, फोटो के लिए खत्म हो रहा है। ये कितना क्या रेट होगा? 100 में 4 केजी। और वो वाले इधर वाले 91 केजी। अच्छा, अलग अलग रेट है सारे। तो इस तरह से आप देख सकते हो एप्पल अभी ये है। अभी मैं कोशिश करूँगा अगर मैं तोड़ के अगर ले सकूँ तो मैं बात करूँ। अभी पहलगाम जाने में अभी काफ़ी मुझे लगता है अभी 20 से 25 मिनट लगेंगे। दोस्तों ये देखो, इस पेड़ पर बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं, ये देखो, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखो क्या ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, और बहुत सारे, और इनको तोड़ना मना है। अगर आप तोड़ते हो इनको तो 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, तो इसी वजह से इनको तोड़ना नहीं है। और सारे खाली फ़ोटो के लिए हैं। ये देखो इस वाले पेड़ पर तो और भी ज़्यादा है सारे। अभी इन्होंने बताया कि अभी सीज़न जो है ऑफ है, और ये लास्ट है जो भी पेड़ पाएंगे, ये लास्ट है, इसके बाद अब नहीं आएंगे, अब 1 साल बाद आएंगे। और ये एप्पल गार्डन आपको मिलेगा पहलगाम जाते वक्त, रास्ते में ही मिलेगा, पहलगाम से पहले ही आपको रास्ते में पड़ जाएंगे बहुत सारे एप्पल गार्डन आपको पड़ जाएंगे। और बहुत मतलब लाइन से दुनिया भर के एप्पल गार्डन ही आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ एप्पल की बहुत ज़्यादा खेती होती है। और अभी जो सीज़न का है वो लास्ट चल रहा है, इस तरह से एप्पल लगे हुए हैं। और ये कुछ लोग आए हुए हैं जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं, सब एप्पल खरीद के लेके जा रहे हैं यहाँ से, ये पेटियों में पैक कर करके लेके जा रहे हैं, ये देख सकते हो। ये अभी मैंने भाई से बात की थी इनसे, तो ये बोल रहे थे कि अभी थोड़ी भीड़ है तो इनको जाने दो, मैं ना आपको फ्रेश एप्पल तोड़ के दूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा और उनका टेस्ट भी बताऊंगा कि फ्रेश एप्पल का बिल्कुल जो पेड़ से टूटा हुआ है, जैसे इस तरह से ये एप्पल लगा हुआ है, इस तरह से जो तोड़ते हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, या कुछ तोड़ने के बाद कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो अभी मैं वेट करता हूँ, उसके बाद में मैं एप्पल तोड़ूंगा, उसके बाद में फिर जूस वगैरह पी के और हम पहलगाम के लिए निकलेंगे। एप्पल तोड़ने जा रहा हूँ ऊपर सीढ़ी पर, यह मेरी सीढ़ी है, और ये मेरे को पॉलीथीन मिल गई है, अभी मैं देखता हूँ इसको और ट्राई करूँगा। उफ, मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर, हाँ ये देख सकते हो भाई। और छाँटते हैं पहले एप्पल, देखते हैं कौन सा बेटर लग रहा है। ये देखो ये बहुत सारे एप्पल, चलो पहला एप्पल तोड़ के ट्राई करते हैं। ये भी नहीं है, छोटे हैं गाइस ये सारे। ये एप्पल ना छोटे हैं थोड़े, चलो ये अच्छा लग रहा है, ये वाला ट्राई करेंगे, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला एप्पल आ गया। अब मैं इसी को यहीं से ट्राई करने वाला हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मीठा है और टेस्ट अल्टीमेट है, तो ताज़ा एप्पल है ना उसका टेस्ट ही अलग है। मज़ा आ गया, मैं इसको पॉलिथीन में रखता हूँ और कई सारे एप्पल और तोड़ूंगा। ये देख सकते हो ना, ये एप्पल मैंने अभी अभी तोड़ा है और मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, और ये देखो क्या ज़बरदस्त अल्टीमेट है, मैं इसको रखता हूँ पॉलिथीन में।
अभी मैं सोच रहा हूँ ये जो एप्पल है ना बड़ा अल्टीमेट है। और तो गिर गया गाइस नीचे गिर गया। एक एप्पल और है उसको भी कोशिश करूँगा मैं तोड़ने की। गाइस जो मैं चाह रहा था ना, जो एप्पल मैं चाह रहा था वो मैंने तोड़ लिए हैं। काफ़ी मोटे मोटे एप्पल थे वो बस। और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और एक एप्पल और मुझे दिख रहा है उसको तोड़ूंगा मैं। ये देखो, ये देख रहे हो कितना ज़बरदस्त एप्पल है, लेकिन ये ख़राब सा लग रहा है कुछ। ये तोड़ूं ना? नहीं ख़राब है, तोड़ूं? नहीं बेकार है, ये नहीं तोड़ रहे भाई, इसको मैंने स्किप कर दिया। मज़ा आ गया भाई, पहली बार मैंने ज़िंदगी में एप्पल तोड़ा है और इसका टेस्ट भी क्या है, बहुत सॉलिड है। और मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने चार एप्पल लिए हैं, मैंने मेहनत करके तोड़े हैं वाले। ओके, डेढ़ किलो वाले एप्पल मैं दिखा देता हूँ पहले। सबसे पहले ये सब 100 के 1.5 किलो वाले, और इसमें से भी 1 किलो वाले 1.5 किलो मैंने ले लिए हैं, और मैंने जो चार तोड़े थे वो ये वाले हैं। ये मेरे मेहनत के फल हैं। चलो गाइस अब मैं निकलता हूँ यहाँ से एप्पल लेके, और इसके बाद हम जूस पियेंगे, थोड़ा सा 20 रुपए का केजी रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे पहलगाम के लिए। तो मेरे साथ है यहाँ पे गार्डन के मालिक, मैं इनसे थोड़ी सी बात करता हूँ और जानते हैं एप्पल किस सीजन में कितना अच्छा आता है और किस किस पर होता है। अच्छा मुझे ये बताइए जो एप्पल आता है ये कौन कौन सी सीजन आता है? एक्चुअली क्या है, पहले ये HD नहीं यहाँ होते, अब तो HD आए हैं, 2-3 साल से HD आए हैं, वो तैयार होता है, वो रेडी होते हैं 15 अगस्त से रेडी होता है, 15 अगस्त से रेडी होता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 15 अगस्त में उसका टेस्ट नहीं होता, उसका टेस्ट शाम का है, अगस्त छोड़ दो अक्टूबर। अभी जो सीजन चला वो लास्ट सीजन है, तो लास्ट सीजन आपका, इसके बाद आ रहा है, ये पेड़ पर लगे हैं, इसके बाद ये हमने रखे आने टूरिस्ट के। अच्छा अच्छा, बाकी एक्चुअली सीजन ऑफ हो गया सर, सारा ऑफ हो गया, बिल्कुल सर। अच्छा सीजन ऑफ हो गया। तो ये गार्डन में लगभग एक सीजन में कितना एप्पल निकलता है? इसमें पेड़ में आते हैं एवरेज 250 केजी एक पेड़ में, एक के पीछे। चलो ठीक है, आपको बस एप्पल वैली जूस सेंटर, और ये फ्रेश एप्पल का जूस निकल के देते हैं भैया। क्या 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 रेट होता है? 50 रुपये गिलास, नो शुगर नो आइस नो वाटर। ठीक है, प्योर है एकदम, है एक बार दिखाओगे कहाँ पे? इधर भाई, 2 गिलास, एक गिलास कर दीजिए, एक गिलास कर दो इस तरह से। दो 10 गिलास की है, बना रहे निकलते हैं पहलगाम के लिए। एप्पल हमने खरीद लिए हैं और जूस पी लिया है, और मैंने आपको एप्पल बहुत सारे दिखा दिए, और यहाँ भी एप्पल लगे हुए हैं, ये देख सकते हो चारों तरफ एप्पल ही एप्पल है। तो अभी मेरा टाइम हो चुका है अब निकलने का, टैक्सी वाले भाई साहब बहुत देर से फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं निकलता हूँ और दिखाता हूँ आगे रास्ते में क्या मिलता है।